और खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर यमुना प्राधिकरण ने जो रेसिंग ट्रैक है उसे सील किया है। जेपी ग्रुप का ये ट्रैक बताया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक को सील किया, किश्तों का भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। जेपी कंपनी पर 1,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कि किसानों को नहीं दिया गया। ताहिर सैफी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ताहिर, पूरी खबर बताएं और इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दें। देखिए पूजा जी, आपको बता दूं कि यमुना प्राधिकरण के द्वारा जेपी को जो है एक जमीन जो है अलॉट की गई थी। 1,000 हेक्टेयर ये जमीन थी जो जेपी को अलॉट की गई थी, ताकि इस जमीन पर जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। क्रिकेट स्टेडियम बनाने का कार्य जो है वो बादस्तूर जारी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम पूरी तरीके से बनकर इस पर जो है तैयार हो चुका है। 2 से 3 बार अब तक जो है फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक के नाम से जो है इस पर जो है प्रोग्राम भी देखने को मिले हैं। बड़े पैमाने पर जो है इसका जो पैसा बकाया था धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो है 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। लगातार यमुना प्राधिकरण जेपी ग्रुप को जो है एक के बाद एक नोटिस जारी कर रहा था, ताकि जो पैसे की रिकवरी है वो पूरी तरह से की जा सके। लेकिन पैसे की रिकवरी ना होने के चलते जो है यमुना प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए जेपी स्पोर्ट्स स्टेडियम और जेपी बुत्था सर्किट जो है उसको जो है पूरी तरीके से सील कर दिया, यानी कि बाहर का जो मेन गेट था उस पर जो है नोटिस सस्पा कर दिया गया है। नोटिस सस्पा करने के बाद जो मेन गेट था उसका जो है बाहर से सील लगा दी गई है और साफ कह दिया गया है कि जब तक रिकवरी का पैसा जमा नहीं किया जाएगा तब तक जो है किसी भी तरीके से जो सील है वो नहीं खोली जाएगी। यानी कि साफ है कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद जेपी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है होती हुई है नजर आई है। जेपी की ओर से कोई रिएक्शन? देखिए पूरे मामले पर लगातार कोशिश की जा रही है कि जेपी की तरफ से कोई सामने आएगा, लेकिन अभी भी जेपी की तरफ से कोई पक्ष रखने के लिए अपना सामने नहीं आ पाया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बुद्धा सर्किट है इसको जो है पैसा कुछ जमा कर दिया जाए, उसकी फील जो है उसको खुलवाई दे रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि जेपी में एक बड़ा आयोजन यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स का जो है किया जाना है, जिसको लेकर जो है जेपी के आला अधिकारी जो है जल्द कार्रवाई कराने की जो है बात कर रहे हैं। तो सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जेपी जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की शरण में तैयारी में लगा हुआ है, ताकि जो जेपी का बकाया पैसा था उसके लिए इसे समय मिल जाए, जो सील लगाई गई है उसको जो है सील खोले जाए। क्योंकि वर्ष 2018 के अंदर बात की जाए तो 2018 में जिस तरीके से यहाँ पर जो है फार्मूला बैंक पर जो है फार्मूला का आयोजन किया गया था, उससे बड़े पैमाने पर जो है पैसे की रिकवरी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी की तरफ से जो है फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक और बुद्धा सर्किट का जो पैसा था वो यमुना प्राधिकरण में जमा नहीं कराया गया था। जिसके बाद जो है लगातार यमुना प्राधिकरण जो है एक के बाद एक जेपी ग्रुप को नोटिस दे रहा था, लेकिन पैसे की रिकवरी ना होने के बाद जो है यमुना प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए जेपी बुद्धा सर्किट को जो है सील कर दिया। कितना बकाया होगा तकरीबन कोई अंदाजा ताहिर? देखिए यमुना प्राधिकरण के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, यमुना प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है यमुना प्राधिकरण का जो है जेपी ग्रुप पर जो है बकाया है, जिसके चलते जो बुद्धा सर्किट है इसको जो है सील करने की कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका ताहिर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे इस खबर